हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मसालेदार लिपटवा कंजक स्पेशल चने की रेसिपी। बिल्कुल सॉफ्ट हमारे चने होंगे और एक एक चने पर अच्छे से कोटिंग है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अष्टमी नवमी पे जो प्रसाद में काले चने बनाए जाते हैं ना, बिल्कुल सूखे लिपटवा, बिल्कुल मसालेदार, जैसे हलवाई बनाते हैं ना उस तरीके के, जैसे भंडारे या फिर मंदिर में प्रसाद में मिलते हैं। तो मैंने क्या किया था, ये मेरे पास एक कप है, इसके ही नाप से मैंने एक कप चने लिए थे और रात भर के लिए उन्हें पानी में भिगो कर रख दिया था। और ये देखिए, भिगोने के बाद जो है ना, ये चने फूल कर थोड़े मोटे हो जाते हैं और इनकी मात्रा भी डबल हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। मैं अपने चनों को धो लिया है और जो इसमें पानी था ना उसको भी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कुकर ले लेंगे। मैंने कुकर ले लिया है, अपने चने हम कुकर के अंदर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे एक कप चने थे तो हम चने का तीगना पानी डालेंगे, तो हम यहाँ पे 3 कप इसके अंदर पानी डाल देंगे। हमने इसमें 3 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम उबालते समय इसमें डालते हैं ताकि जो चने है ना इसमें अंदर तक जो नमक है अंदर तक चला जाए। ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, इसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी देसी घी, ताकि जब हम चनों को उबालेंगे ना तो कुकर से पानी बाहर ना आए। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम अपना कुकर बंद कर इसे फ्लेम पर रखेंगे। यहाँ पे हमने कुकर अपना इंडक्शन पर रख दिया है और फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई रखा है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम हम अपना कम कर देंगे और 10 मिनट तक इसमें कम फ्लेम में 4 से 5 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम अपना कुकर खोल कर चेक करेंगे। हमारे चने हो गए हैं। कुकर का प्रेशर रिलीज होने तक इसे साइड रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने बॉल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है सा हुआ धनिया, इसको इसके अंदर डाल देंगे। 1.5 टीस्पून ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून ली है मैंने हल्दी पाउडर, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। पहले इन्हें ऐसे ही मिला लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मसाले हैं ना अच्छे से फूल जाएंगे और ये ग्रेवी इसकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी थोड़ा पानी इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। लगभग इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल दिया है। इसको अब हम इस तरीके से 2 मिनट तक छोड़ देंगे। हमारे कुकर ने प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब हम अपने चने चेक कर लेंगे, कुकर को खोल लेंगे। अब हम देखेंगे ऐसे, इसका एक बार घुमा लेंगे और थोड़े से चने लेंगे चमचे में और इस तरीके से हाथ पे लेंगे, हाथ पे उंगली पे लेंगे और ऐसे दबा के देख लेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो चने हैं अच्छे से बिल्कुल पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं ना, स्टेज पे आके इसका पानी निकाल देते हैं, लेकिन हमें इसमें से पानी नहीं निकालना है। क्योंकि अगर हम इसके इसमें से पानी अलग कर देंगे ना, तो क्या होगा, हमारे चने जो है ना थोड़े सख्त हो जाएंगे। तो हम इस पानी को इसके अंदर ऐसे ही रहने। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, छोटा वाला जार लिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ जीरा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं उबले हुए चने जो हमने उबाले थे उसी में से। 1 से 1.5 इंच ले ली मैंने अदरक, छील के काट ली है। 1 ली है हरी मिर्च, जिसे हम बच्चों के लिए बनाएंगे तो ज्यादा इसको तीखा नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। हमने इनको पीस लिया है, चेक कर लेंगे। मैं अपना जो मसाला है इसको बाउल में निकाल लिया है, इससे बिल्कुल हमारे जो चनों में है ना लिपटवा टेक्सचर आएगा और ग्रेवी जैसा थोड़ा लुक आएगा, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फ्लेम पे कढ़ाई रख लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ ऑयल, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। तेल गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ, चटकने देंगे अच्छे से। जीरा हमारा भून गया है। 1 पिंच मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और ये इसको टेस्ट भी देगा बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। हमने फ्लेम कम कर दिया, हमने जो मसाले रखे थे ना ये मिक्स करके इसको नीचे तक चला लेंगे, क्योंकि नीचे क्या होता है ना, जम जाते हैं। हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अब हम फ्लेम कम कर दिया है। अब हम इसके अंदर डाल लगातार चलाते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हमने पानी में घोल दी थी, इससे है ना क्या होगा, हमारे मसाले तेल में जाने के बाद जलेंगे भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारे मसाले हैं उसके ऊपर तेल अच्छे से आ गया है, हमारे मसाले भून गए हैं। यहाँ पे मैंने लिए 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाथ पे लेंगे और क्रश करके डाल देंगे, मिला देंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया था ना चने जीरे और अदरक का, अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, इसको भी भून लेंगे 2 मिनट तक।
हमारा ये भी भून गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने जो चने हैं ना इनको पानी के साथ इसके अंदर डाल देंगे, हम इसमें से पानी नहीं निकालेंगे। इसका पानी पूरा सूखने तक हम क्या करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे लाते हुए पानी ऑफ कर देंगे इसका सारा। अगर हम इस तरीके से चने बनाएंगे ना तो क्या होगा, हमारे जो चने हैं सख्त नहीं बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे एकदम, और घंटों रखने के बाद भी सॉफ्ट बने रहेंगे। इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, इसको भी इसके अंदर डाल के मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें जो अपना नॉर्मल नमक होता है वो, और आधा टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ मैं इसमें काला नमक। काला नमक इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। मिला देंगे और आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, ताकि इसमें थोड़ा खट्टा फ्लेवर आ जाए। तो आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हमारी सब्जी को 6 से 7 मिनट हो गई है बनते हुए, और ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, काफ़ी हद तक पानी जो है ये सूख गया है। हम इसको और पकाएंगे अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चने जो भंडारे जैसे हैं बनकर तैयार हैं, और एक एक चने पर देखिए कितनी अच्छी मसाले की कोटिंग हुई है, और हमने इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकाला था, जितना पानी था पूरा इसके अंदर डाल दिया था। इसी तरीके से अगर हम चने बनाते हैं ना तो ये प्रसाद वाले हमारे बहुत अच्छे बनते हैं, सख्त नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली थी, उसको बीच में से काट के उसके दो दो पार्ट कर लिए हैं, इसको इसके अंदर डाल देंगे, और बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। ये चने बनकर तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर हम अब इससे ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा ना, ये ठंडे होने के बाद भी थोड़े सूखे हो जाते हैं। तो अब हम इस कंसिस्टेंसी तक ही अपनी ग्रेवी रहने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मसालेदार लिपटवा भंडारे स्टाइल जो चने हैं ना बनकर तैयार हैं। और इन्हें बनाना कितना आसान था ये तो आपने देख ही लिया। इस कंजक आपी ने जरूर बनाए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हलवे की रेसिपी देखना चाहते हैं प्रसाद वाले अष्टमी नवमी वाले की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।